हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। और की हालचाल, मारुति सुजुकी ने अपनी 2022 अल्टो K10 लॉन्च कर दी है इंडियन मार्केट में 3.99 लाख रुपीस के प्राइस पर। और इस बार ये हैचबैक बिल्कुल ही न्यू अवतार में आई है। सो वैसे अभी अल्टो की डिमांड प्रेजेंट टाइम में थोड़ा स्ट्रगल करती दिख रही है इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप अल्टो बैजिंग के पुराने किस्से सुनोगे तो दंग ही रह जाओगे। और आज इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। अल्टो नेम टैग अपने साथ काफ़ी जनरेशन को लेकर आता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे 4.3 मिलियन हाउसेस हैं जहां अल्टो बाय करी गई थी। इसलिए ही इसे ये कहना बेकार नहीं कि अल्टो इज़ दी मोस्ट सक्सेसफुल कार इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऐसा क्या हुआ और क्या खास था अल्टो में जो आज पूरे 22 साल कम्प्लीट होने के बावजूद भी ये इंडियन मार्केट में प्रजेंट है? बहरूपिया 800 ही अल्टो है और अल्टो ही 800। हाँ, आपने सही सुना। जबकि अल्टो बैजिंग 2000 में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, लेकिन इंडिया से बाहर ये नेम टैग अल्टो काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा था। जब सुजुकी ने 1979 के अंदर जापानीज मार्केट में सुजुकी अल्टो का डेब्यू करा, जैसे कि सेम इंडिया में करा था अपने 800 से, जिसका कोड नेम था SS80, जिसे हम OG 800 से जानते हैं। उसी सेम कार को इंडिया से बाहर अल्टो के नाम से जाना जाता था। उधर 1979 में इस कार की वजह से जापानीज मार्केट में मोबिलिटी के अंदर रिवॉल्यूशन आया था, जैसे सेम इंडिया में 1983 के अंदर इस सेम कार से आया था, बिकॉज ऑफ लो प्राइस एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड लो टैक्स रेट्स। उसके बाद मारुति सुजुकी ने गेम खेलना स्टार्ट करा इंडिया के अंदर। उन्होंने 2000 के अंदर अल्टो लॉन्च करी एज अ प्रीमियम ऑप्शन ओवर मारुति 800। उन्होंने 800 को डिसकंटिन्यू नहीं करा क्योंकि उसकी सेल लाजवाब हो रही थी, बल्कि 800 की नेक्स्ट जनरेशन को अलग नाम से यानी अल्टो से लॉन्च करा गया एज अ प्रीमियम कार। और ऐसे बहुत सालों तक मारुति ने हमारा बनाया है, या फिर कहो कि हमें पता ही नहीं चला। अगर मैं आपसे कहूं कि मारुति जैन, ए स्टार, सिलेरियो, इग्निस, स्विफ्ट, ये सब अल्टो की नेक्स्ट जनरेशन ही थी, तो आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे। लेकिन इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कब चाहिए। तो फिर से हम अपनी वीडियो पर ही आते हैं, इंडियन अल्टो इवोल्यूशन पर आते हैं। तो 2000 में इंडिया के अंदर अल्टो आई, जो 2 इंजन ऑप्शन के साथ आई थी। एक स्मॉल इंजन जो 796 सीसी का इंजन था, जिसे हम अल्टो 800 कहते हैं आज के टाइम में, और दूसरा 1.1 लीटर का इंजन जो 65 हॉर्स पावर रिलीज करता था। और ये इंजन वाकई में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अपने पास भी एक अल्टो रही है इसी इंजन वाली। तो ये दोनों स्मॉल और लार्ज कैपेसिटी के इंजन उस वक्त काफ़ी सही चले इंडिया में, और ऐसे चले कि अल्टो की सेल्स आसमान छूने लगी। और इसने उस टाइम की किंग हुंडई सेंट्रो को बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दिया था। सक्सेस रेसिपी। आपको लग रहा होगा अल्टो एकदम से हिट ही हो गई इंडियन मार्केट में, क्योंकि प्राइस भी अच्छा था और उस वक्त के हिसाब से जो फीचर्स मिलते थे वो भी बढ़िया ही थे, तो सक्सेस तो यूं ही मिल गई होगी अल्टो को। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि इसका भाई ही इसका दुश्मन था उस वक्त। हाँ जी, आपने सही सोचा, शुरुआत के दिनों में अल्टो की सेल में काफ़ी स्ट्रगल हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न था 800 की सक्सेस का पहले से होना मार्केट में। तो मारुति ने बहुत ही चलाकी से काम लिया और 800 की रेंज को डाउन करके साथ में न्यू अल्टो के अफोर्डेबल वर्जन लॉन्च करे, जिससे अल्टो की मार्केटिंग काफ़ी एग्रेसिवली हुई। और लगभग 3 साल में मारुति को अपने सबर का फल भी मिलने लगा और अल्टो बेस्ट सेलिंग कार बन गई इंडिया की, जिसने मारुति 800 को भी पीछे छोड़ दिया। और जब से आज तक अल्टो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। फिर 2008 में अल्टो ने पूरे 10 लाख यूनिट सेल्स कर लिए इंडिया के अंदर, और इंडिया की 4th कार बन गई जिसने 10 लाख यूनिट सेल करे थे इंडिया में, आफ्टर सेंट्रो और ओमनी। और फिर सिर्फ अगले 4 सालों में ही और 10 लाख यूनिट सेल हुई अल्टो की, यानी कि टोटल 20 लाख यूनिट बिक चुकी थी 2012 तक अल्टो की। और सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि अल्टो पहली कार बन गई जिसके 30 लाख यूनिट सोल्ड हुए, और अगस्त 2020 तक अल्टो के 40 लाख यूनिट सोल्ड हो गए थे। द K10 लेगेसी एंड बियॉन्ड। हालांकि 1.1 लीटर इंजन अल्टो का सबसे बेमिसाल था, लेकिन आपको पता ही है हमारे इंडिया में अच्छी चीज़ की कदर नहीं होती, लाइक फोर्ड एंडेवर। तो ऐसे ही OG अल्टो का 1.1 लीटर वाला इंजन डिसकंटिन्यू हो गया कुछ साल बाद ही लॉन्च होने के, बिकॉज ऑफ लो सेल्स फिगर्स। मारुति ने इसकी भरपाई फिर 2010 में करी एक और पैपी इंजन देकर 1.0 लीटर का, जो क्लासिक 796 सीसी के इंजन के साथ बिका। और तभी से K10 की शुरुआत हुई अल्टो में, जिससे एक और रिफ्रेश चीज आ गई अपने कंटेम्प्रेरी स्टाइलिंग के साथ। एक पैपियर इंजन भी मिलने लगा जिसमें अच्छी खासी माइलेज भी थी।
फिर 2012 में मारुति ने एक न्यू जनरेशन निकाली अपनी 796 सीसी वाले मॉडल की एज अल्टो 800, जो अल्टो K10 से डिस्टिंग्यूस कर सके, जबकि उसका प्लेटफॉर्म सब सेम ही था, जिसमें न्यू F8 इंजन था, न्यू एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स थे, और यहाँ तक कि गियर बॉक्स में भी चेंजेस करे गए थे अच्छी ड्राइविंग इंप्रूवमेंट्स के लिए। BS6 ट्रांजिशन। 2019 में सब कार्स के लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाला BS6 कंप्लाइंट इंजन का, और उसमें अल्टो कहाँ बचती, तो अल्टो में भी चेंजेस हुए, जिसमें 796 सीसी के इंजन को BS6 कंप्लाइंट बनाया गया और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ बेटर सेफ्टी दी गई और इंटीरियर भी हल्के फुल्के चेंजेस हुए, जैसे कि एक न्यू डैशबोर्ड मिला अल्टो को, और सबसे बड़ा चेंज था कि अल्टो 800 का नाम अब चेंज होकर सिर्फ अल्टो रह गया था, और अल्टो K10 इंजन BS6 एमिशन नॉर्म्स को झेल नहीं पाया और मारुति ने अल्टो K10 को डिसकंटिन्यू ही कर दिया। लेकिन अब फिर से 2.5 साल बाद अल्टो K10 फिर से इंडियन मार्केट में लौटी है। 2022 न्यू अल्टो एकदम न्यू कार है हर एस्पेक्ट से। इसमें कम्प्लीटली फ्रेश डिजाइन मिलता है, जिसमें फ्रंट ग्रिल और लुक थोड़ा बहुत अपनी स्विफ्ट से मिलता जुलता लगता है। बस इसमें आपको कोई फॉग लैंप और DRL नहीं मिलती, जो कि एक मिस लगता है मुझे, और इसका प्राइस मुझे थोड़ा प्राइसी ही लगा, क्योंकि बेस मॉडल जो 3.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है, उसमें आपको बेसिक फीचर्स जैसे एयर कंडीशनर, पावर विंडोज और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर भी नहीं मिलते 2022 में होकर भी, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा बेटर होकर ही आई है न्यू अल्टो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ग्लोबल अल्टो की इवोल्यूशन पर वीडियो देखना चाहते हो और अल्टो को और भी बारीकी से जानना चाहते हो कि अल्टो कितनी कार्स की एक पेरेंट कार रही है, लाइक A-Star, सिलेरियो, इग्निस एटसेट्रा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।